हे गाइस, स्वागत करती हूँ आप सभी का। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी हैप्पी होंगे और गुड मॉर्निंग, हैव अ ब्यूटीफुल डे। तो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आपके पर्सन की दिल की बातें क्या है, क्या फील करते हैं वो दिल से आपके लिए, उनकी दिल की ख्वाहिश क्या है, उनके दिल की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, दिल से क्या फील करते हैं वो पर्सन आपके लिए। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके एक्स, आपके करेंट पार्टनर, आपके शोरमेट, ट्विन फ्लेम, कोई भी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की दिल की ख्वाहिश, दिल की बातें क्या, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, वो दिल से क्या कहना चाहते हैं आपसे। तो ये रीडिंग कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप सभी के लिए है रीडिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें। पर्सनल रीडिंग बाय करना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो चलिए इन पर फोकस कीजिए, इनके बारे में सोचिए, गॉड से प्रे कीजिए कि वो आपको रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दें और हमेशा हैप्पी रहें, अपनी लाइफ को लेकर के ग्रेटिट्यूड फील करें। ओके, क्या कहना चाहते हैं ये पर्सन, इनके दिल की ख्वाहिश क्या है, दिल से क्या कहना चाहते हैं ये पर्सन आपसे। ऑल साइंस रीडिंग है। ओके, क्या कहना चाहते हैं, इनके दिल की बातें क्या है आपके लिए। ट्रस्ट। ओके, तो ये वो पर्सन हो सकते हैं जिसने आपका ट्रस्ट तोड़ा, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, आपका भरोसा तोड़ा, आपको भरोसा दिलाया कि हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपसे ही मैरिज करेंगे। बट हो सकता है कि इस पर्सन ने अपना वादा अपने कर्ज में नहीं निभाई, अपना जो ट्रस्ट बनाया था। मुझे लग रहा है कि आपने काफ़ी ज़्यादा भरोसा किया इन पर, ट्रस्ट किया अपना, आपने इनके ऊपर, आपने हमेशा इस रिलेशनशिप को 100% दिया। बट हो सकता है कि इस पर्सन ने नहीं दिया, आपको लगा कि ये हमेशा आपका साथ देंगे, आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे, बट इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है। तो ये वो पर्सन हो सकते हैं जिसने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है। तो ये आपसे कहना चाहते हैं, मुझे लग रहा है कि इनकी एनर्जी ये है कि इस पर्सन को ना कुछ तो इशू है इनके लाइफ को लेकर, इनको ट्रस्ट इशूज है आपको लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर, या तो हुआ है, या तो आप दोनों के बीच जो कुछ भी इशू हुआ है, जो कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है, इनकी खुद की गलतियों की वजह से हुआ है, इनकी खुद की मेंटालिटी की वजह से हुआ है। क्योंकि हो सकता है कि इस पर्सन को भरोसा करने में दिक्कत होती है, परेशानी होता है, तो इनके मेंटेलिटी की वजह से कुछ हुआ है, आपके रिलेशनशिप में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आई है वो इनकी वजह से है। इनको भरोसा नहीं था इस रिलेशनशिप पर, या तो आप पर, क्योंकि हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई पर्सन ऐसे रहा हो जिसने इनका भरोसा तोड़ा, इनका ट्रस्ट ब्रेक किया, तो इस पर्सन को लगा कि आप भी इनके साथ वैसा ही करोगे जो इनके पास्ट में किसी ने इनके साथ किया है, आप भी इनको धोखा दोगे, इनका ट्रस्ट तोड़ोगे, तो इस पर्सन ने आपके साथ वैसा किया, ऐसा मुझे फील हो रहा है यहाँ पर। ये पर्सन एरिज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस हो सकते हैं। हो सकता है कि अभी आप दोनों के बीच नो कांटेक्ट है, टोटली बातचीत बंद है, बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है, नो कम्युनिकेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन वापस से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, बट इनमें हिम्मत नहीं हो रही है आपके पास आने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए, इनमें करेज की कमी है, मैं बता दूँ, ठीक है। आपसे बातचीत करना चाहते हैं बट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इनके लिए। ओके, आपके पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, कैसे आपका भरोसा जीते, कैसे आप, कैसे वापस से आपका ट्रस्ट पाए, जिस तरह से पहले आप इन पर ट्रस्ट करते थे, भरोसा करते थे, कैसे 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 आपको वापस पाए, कैसे आपको अपनी लाइफ में क्या पाए, क्योंकि इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है, मैं आपको बता दूं। या तो इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा है आप दोनों का साथ, आप दोनों का रिलेशनशिप, आप दोनों का फ्यूचर साथ में होना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपका साथ तो चाहते हैं, ठीक है, आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, अभी भी रखते हैं, बट कुछ तो इशू है आप दोनों के बीच, आप दोनों के बीच बैकग्राउंड अलग हो सकता है कुछ तो, या तो आप दोनों टोटली डिफरेंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है आप दोनों का साथ में होना, आप दोनों का फ्यूचर साथ में होना। या तो ये पर्सन आपके पास आने के लिए काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ये तो कर ही रहे हैं, ठीक है, बट उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, आपको फेस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया इनके लिए।
क्योंकि उन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है। अब कैसे आए, आपको कैसे मुंह दिखाए, कैसे आपके सामने आए, कैसे आपको फेस किया जाए, इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, आप काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे हो अपने लाइफ में, आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में हो, आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो, और ये पर्सन आपको देख रहे हैं चोरी छुपे, ये पर्सन आपको देख रहे हैं, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं फिज़िकली, इमोशनली, और आपसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन फील करते हैं, कनेक्टेड फील करते हैं। भले ही आपको भरोसा ना हो, बट मैं आपको बता दूँ, ये इमोशनली काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, काफ़ी ज़्यादा डीपली कनेक्टेड फील करते हैं आपके साथ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है, जो इस पर्सन को आपके पास आने के लिए या तो बातचीत करने के लिए जो डिले हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पर्सन को आपको फेस करना मुश्किल हो गया है, ठीक है। क्योंकि आप इनकी नज़रों में काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो, काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे हो अपने लाइफ में, और ये पर्सन आपके मुकाबले कुछ भी नहीं है, ये इनको फील हो रहा है, ये इनको ऐसा लग रहा है। क्या फील करते हैं ये दिल से आपके लिए, लेजीनेस, क्लींसिंग टू द पास्ट, आउटसाइडर। मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही पास्ट में अटके हुए हो, या तो आपके पर्सन पास्ट में अटके हुए हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका पास्ट एक्सपीरियंस कुछ तो खराब रहा है किसी के साथ, या तो इनको फैमिली इशू हुआ है, कुछ फैमिली इशू हो सकता है आप दोनों के बीच, या तो इनके फैमिली में कुछ ऐसा हुआ है कि इनको किसी पर ट्रस्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, या तो आप दोनों के जो पास्ट रहा है उसको ये पर्सन भूले नहीं है। जो कुछ भी आप दोनों के बीच हुआ है, लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, जो कुछ भी हुआ है ये पर्सन भूले नहीं है, ओके। या तो ये पर्सन अपने पास्ट के बारे में भूले नहीं हैं, जो भी इनके पास्ट में रहा है या रही है, ठीक है, ये उनके बारे में भूले नहीं हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर थोड़े से लेजी हो चुके हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप इनको नीडी दिखा रहे हो, आप ऐसा दिखा रहे हो कि आपको इस पर्सन का ज़रूरत है। अगर ऐसा दिखा रहे हो ना आप, तो मैं आपको बता दूं ये पर्सन लेजी हो रहे हैं। अगर ये आपकी एनर्जी है तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। अगर आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, इनके पैरों में गिर रहे हो, या तो ऐसा आपने किया है, तो ये पर्सन इनकी एनर्जी है, ये लेजी हो चुके हैं आपको लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर। ये पर्सन आपकी वैल्यू नहीं देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं। और ये पर्सन एक नहीं हज़ार बहाना दे रहे होंगे, या तो बना रहे होंगे, या तो इस पर्सन ने ऑलरेडी बनाए हैं आपको छोड़ने का। अगर आप रो रहे हो, आप परेशान हो, तो ये करना बंद कीजिए। जब तक आप रोते रहोगे, जब तक आप पास्ट की चीज़ों को भूलोगे नहीं, ठीक है, जब तक आप इस निगेटिव एनर्जी में रहेंगे, तब तक ये पर्सन कभी आपकी वैल्यू नहीं समझेंगे। अगर इस एनर्जी में हो ना, तो मैं आपको बता दूं, ये आपको देख रहे हैं और ये आपको अपनी लाइफ में वापस से चाहते हैं। ये पर्सन आपको देख रहे हैं, आपके निगेटिव, आपके पॉजिटिव एनर्जी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी इनर, आपके आउटर ब्यूटी से ये पर्सन अट्रैक्ट हो रहे हैं। और अगर ये आपकी एनर्जी है, तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है, ओके। अगर आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो, अच्छा करो अपने लाइफ में, आपका फोकस खुद पर है, अपने फैमिली पर, कैरियर पर है, तो ये पछता रहे हैं, ये आपसे दूर होकर पछता रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं कि क्यों इस पर्सन ने आपको छोड़ा है। क्यों? क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा डिजर्विंग पर्सन हो, ओके। इस पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं की वक्त रहते, ओके। इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया है, किसी और की वजह से आपको छोड़ा है, आप दोनों के बीच कास्ट, रिलेशन, या तो फैमिली आई, या तो फ्रेंड्स आया, या तो इनको कुछ ट्रस्ट इशू था जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपको छोड़ा। इनको ऐसा लगा कि रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा आगे, आप दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है साथ में, तो इस पर्सन ने आपको छोड़ा, आपको रिजेक्ट किया। अगर ये आपकी एनर्जी है, तो ये पछता रहे हैं, ये रिग्रेट कर रहे हैं, पास्ट की चीज़ों को भूले नहीं हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं, देख रहे हैं आपको, आपको वापस अपने लाइफ में चाहते हैं। अगर ये आपकी एनर्जी है, तो मैं आपको बता दूं, ये पर्सन वापस से आपको अपने लाइफ में चाहते हैं। इनको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, बट कैसे कैसे, किस मुंह को लेकर आए आपके पास, ये इनकी एनर्जी है। अगर ये आपकी एनर्जी है, तो
अगर ये आपकी एनर्जी है ना तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा जा रहे हो अपनी लाइफ में। मैं आपको बता दूँ, ये पर्सन आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको और ज़्यादा देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से आपके पीछे हुए पड़े हैं, ऐसा कह सकती हूँ मैं। ओके, सोशल मीडियाज़ पर काफ़ी ज़्यादा शौक करते हैं, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव जिनसे भी हो सके ये पर्सन आपसे आपके बारे में खबर रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा शौक कर रहे हैं ये पर्सन आपको आपको लेकर। ओके, अगर आप आगे बढ़ गए हो, आगे बढ़ रहे हो, अच्छा कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो, खुश हो, और इनके बारे में आपको कुछ वो ही नहीं है, ठीक है, कि आप दोनों की आप दोनों का बातचीत हो चाहे ना हो, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो मैं आपको बता दूँ, इनको अब फर्क पड़ रहा है। आपके पर्सन के दिल की बातें, इनके दिल की ख्वाहिश, लेटिंग गो, अगर आपने लेट गो कर दिया है तो ये पर्सन आपको देख रहे हैं। ओके, अगर आपने लेट गो कर दिया है तो ये पर्सन आपको देख रहे हैं, आपको वापस से चाहते हैं, दो दो बार आया है। हो सकता है कि इनको फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम हो रही है, फाइनेंशियली कुछ इशू चल रहे हैं इनके लाइफ में, या तो कोई आपके पर्सन को कंट्रोल कर रहा है, हो सकता है ये कि ये पर्सन के लाइफ में कोई और है, या तो इनकी फैमिली नहीं मान रही है, इनकी फैमिली रोक रहे हैं, इनके फादर, इनकी मदर, या तो इनकी फैमिली, इनको कोई तो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। ये आपसे काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं, एडिक्शन, एडिक्टेड फील करते हैं, एडिक्शन है इनका आपके साथ, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड हैं आपके पर्सन इमोशनली फिजिकली आपसे, बट आपके पर्सन को कोई रोक रहा है, या तो ये पर्सन कहीं और इन्वॉल्व हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो इनके फैमिली, फादर, मदर, ठीक है, कोई भी हो सकता है, या तो फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है, कास्ट, रिलीजन, फैमिली बैकग्राउंड। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हैं, कौन क्या कहेगा काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है आपके पर्सन के लिए, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है आपके पर्सन के लिए। इसलिए ये पर्सन चाहते हुए भी आपके पास नहीं आ रहे हैं, चाहते हुए भी आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। इनको करने दीजिए, इनको इनके हाल में ही छोड़िए, मैं आपको बता दूं, आपको इस एनर्जी में आना है, और अगर आप ऑलरेडी इस एनर्जी में हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो आप बहुत अच्छा जा रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में, चेंजेस आया है, और अगर नहीं तो आपको लाना चाहिए, अगर आप इस एनर्जी में हो तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहिए, आपको चेंजेस लाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इस एनर्जी में नहीं आओगे तब तक ये पर्सन आपकी वैल्यू कभी नहीं देखेंगे, कभी नहीं आपको आपकी कदर कभी नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूँ, जब तक आप लेट गो नहीं करोगे, आप दोनों के बीच कुछ तो अलग है, डिफरेंस काफ़ी कुछ है आप दोनों के बीच। ये पर्सन चेंजेस चाहते हैं, जो कुछ भी आप दोनों के बीच चल रहा है, हो रहा है, नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट में आना चाहते हैं, नो कम्युनिकेशन से कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, बट खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, मानना पड़ेगा इस पर्सन को। इनर वाइज काफ़ी ज़्यादा अकेला फील करते हैं आपके बिना, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, इनका दिल कहता है कि आप दोनों का यूनियन हो जाए, आप दोनों साथ में आ जाए, इनका इंट्यूशन कहता है, इनका इंट्यूशन इनको आपकी ओर पुश करता है, बट ये पर्सन कंट्रोल कर रहे हैं, खुद को कंट्रोल करके रखा हुआ है इस पर्सन ने। आपके बिना काफ़ी ज़्यादा अकेला फील करते हैं, रोते भी हैं, परेशान होते हैं। ओके, अगर इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है, इनको पता है यार, अगर इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है तो इस पर्सन को एहसास हुआ है, रियलाइज हुआ है आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को, ठीक है, और ये सोच रहे हैं कि कैसे आपके साथ यूनियन में आया जाए, कैसे, क्योंकि इस पर्सन को कोई तो रोक रहा है, या तो ये पर्सन खुद को ही रोक रहे हैं, अपना दिमाग काफ़ी ज़्यादा अपना दिमाग का सुनते हैं ये पर्सन, काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हैं, प्रैक्टिकल हैं, इनका इंट्यूशन कहता है आपकी ओर आने के लिए, बट काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हैं ये। चलिए और देखते हैं क्या है इस पर्सन के दिल की बातें, क्या कहना चाहते हैं ये आपसे, इनके दिल की बातें क्या है आपके लिए। हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस है, या तो आपके पास है, या तो इस पर्सन ने कभी आपको ऑप्शन की तरह लिया,
और अब ये पछता रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं ओके, क्योंकि आपके बिना काफ़ी ज़्यादा अकेले हो चुके हैं, कोई इस पर्सन को नहीं समझ रहा है, आपसे बातचीत नहीं हो रही है, काफ़ी ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं ये। ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसेस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी आया है, लियो हो सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं ये आपसे? ओके, देखिए अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है, अगर इस पर्सन का मैरिज नहीं हुआ है, ठीक है, अगर इस पर्सन की लाइफ में कोई और नहीं है, तो डेफिनेटली आपसे मैरिज करना चाहते हैं। ये इनकी दिल की ख्वाहिश है, इनकी दिल की तमन्ना है ओके। ये आपसे यूनियन में आना चाहते हैं, आपसे ही मैरिज करना चाहते हैं, भले आप दोनों के बीच कास्ट, रिलीजन, कुछ प्रॉब्लम है, फैमिली इशूज चल रहे हैं, बट आपसे ही मैरिज करना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं। और अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी में है, कहीं और इन्वॉल्व है, तो मैं आपको बता दूँ, खुश तो वैसे ये पर्सन मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, एटलीस्ट फ्रेंडशिप तो चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ। अगर ये पर्सन कहीं और इन्वॉल्व हैं, अगर कहीं और इस पर्सन ने मैरिज कर लिया है, ये पर्सन आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, आपको हमेशा अपने लाइफ में चाहते हैं ये। मुझे लग रहा है कि ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ये आपको फील होता है, आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिरर करते हो, आपके ड्रीम्स में ये पर्सन आते हैं, आपके ड्रीम्स के द्वारा ये पर्सन आपसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहते हैं ये आपसे? मुझे लगा ही था आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो। इन पर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बर्डन काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हैं राइट नाउ ओके। इन पर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको भी अपनी लाइफ में चाहते हैं ओके। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, और ये बैलेंस में आना चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, आप दोनों के बीच बहुत कुछ डिफरेंस है, बट यूनियन ये चाहते हैं ओके। और आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, जो आप फील करते हो ये पर्सन फील करते हैं, जो ये पर्सन फील करते हैं आप भी फील करते हो। तो ये रही आपकी रीडिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में ओके। बाय बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें, लॉट्स ऑफ लव, बाय।